हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज बहुत दिन बाद वीडियो शूट कर रहे हैं। तो अभी हम दिल्ली में हैं, हम पापा मम्मी, एक्चुअली में दीदी को बेटा हुआ है, तो हम लोग उसी के कारण दिल्ली आए हुए थे सेलिब्रेट करने के लिए। और आज सैटरडे है, 15 जुलाई, तो 13th को प्लान बना था सडनली कि हम लोग को नहीं, मम्मी को बेसिकली मन था कि हम लोग को आगरा वगैरह भी जाके घूमना चाहिए। तो हम तो एक बार पहले जा चुके हैं, लेकिन अब आज मम्मी पापा फिर जिया जी के पापा ये सबके साथ फिर जा रहे हैं। जब हम पहले 2016 में गए थे तो उस टाइम पर फ्राइडे होने के कारण बंद था, तो हम लोग घूम नहीं पाए थे सही से। हम फिर आज देखते हैं, अभी तो हम लोग फिल्म सिटी में पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर बस आएगी, टूरिस्ट बस है, बस का नंबर वगैरह रात में हम लोग को मिल गया था, तो हम लोग यहीं पे 7:45 पर बस आएगी, हम लोग इसमें बैठ जाएंगे और फिर आगे का आप लोग को दिखाते रहेंगे। अभी हम ऐसे ही बस हाईवे पे ही है, दिखा देते हैं एक बार आप लोगों को। यही है वो स्पॉट जहाँ पे आएगी, ये है पापा, वो आदमी जो ब्लू कुर्ते में, वो भी हम लोग के साथ ही है अंकल, और ये मम्मी बैठी हुई, और ये है मेन हाईवे, और ये इस साइड आपका फिल्म सिटी है ऐसा बोलते हैं। पता नहीं यहाँ पे क्या है, नहीं है कुछ आइडिया तो है नहीं, FM न्यूज़ वगैरह देखना पड़ेगा गूगल करके। मैं गाइड हूँ, बस का गाइड नहीं, बिल्डिंग गाइड नहीं, सॉरी, बिल्डिंग्स के घुमाने के लिए काफ़ी सारे बिल्डिंग्स गाइड आपको बिल्डिंग के पास देखने को मिलेंगे, जिनका एक्सपेंसिव चार्जेज होता है पर फैमिली 300, 400, 500 जैसा भी डीलिंग होता है। और 50% घुमाएंगे, 50% आपको मिस कर देंगे, पूरा पेमेंट आपसे ले लेते हैं। तो नाउ यू आर, डोंट टेक एनी बिल्डिंग गाइड, कोई बिल्डिंग गाइड हायर करने की आवश्यकता आप लोग को नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको आगरा फोर्ट का पूरा हिस्ट्री और बैकग्राउंड बता दूंगा, जिससे कि आप लोग को घूमने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, पूरा मैप आपको इश्यू कर दूंगा। ध्यान से सुनेंगे, आगरा फोर्ट का सबसे पहले आप लोग टिकट कलेक्ट करेंगे सामने जाके, टिकट कलेक्ट करने के बाद गेट से एंट्री करेंगे, क्योंकि एक ही गेट अंदर जाने के लिए और एक ही गेट बाहर एग्जिट करने के लिए, कोई दूसरा गेट नहीं, गेट का नाम अमर सिंह गेट। टॉयलेट, बाथरूम, वॉशरूम सब कुछ आगरा फोर्ट के अंदर में बना हुआ है। टिकट कलेक्ट करते गेट से एंट्री करेंगे, आप लोग का टिकट चेक होगा, और टिकट चेक होने आप लोग आगरा फोर्ट के अंदर एंटर कर जाएंगे। एंटर करते ही सबसे पहले ऐसा एक स्लॉट आएगा 40 फीट हाइट्स का बना हुआ, चढ़ाई 40 फीट हाइट के बना हुआ स्लॉट को आप लोग बाय वॉक ऊपर तक जाएंगे चढ़ाई को। जैसा ही चढ़ाई आपका फिनिश होगा, स्लॉट जैसे आप लोग का फिनिश होता है, सीधा नहीं जाना है, मैं पूरा आपको आगरा फोर्ट का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। आगरा फोर्ट इट्स नॉट रेड फोर्ट, लाल किला नहीं, लाल किला जो है वो आप लोगों का दिल्ली के अंदर में है। आगरा फोर्ट स्टार्ट 1565 में बनना स्टार्ट हुआ था, पूरे फोर्ट को कंप्लीट होने में 95 वर्ष का समय लगा, 4 मुगल बादशाह द्वारा बनाया गया जनरेशन बाय जनरेशन। फर्स्ट किंग अकबर, अकबर सन जहांगीर, जहांगीर सन शाहजहां, और शाहजहां सन औरंगजेब के द्वारा पूरे फोर्ट को कंप्लीट किया गया। आगरा फोर्ट का 75% एरिया क्लोज है आर्मी के अंडर में है, मुगल टाइम मुगल आर्मी था, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश, इस समय इंडियन आर्मी के। ओनली 25% विजिट, केवल 25% ही खुला है जो कि ओपन बिल्डिंग है। इसके अंदर में आपको 2 पत्थर का बिल्डिंग देखने को मिलेगा, एक रेड पत्थर में, दूसरा व्हाइट मार्बल। रेड बिल्डिंग को अकबर और उनके बेटे जहांगीर ने बनवाया था, और व्हाइट बिल्डिंग को शाहजहां ने बनवाया। औरंगजेब ने इसी फोर्ट के अंदर में अपने पिता शाहजहां को अरेस्ट करके रखा, और जहां अरेस्ट किया उसी जगह उनका डेथ हो गया। सबसे पहले जैसे ही गार्ड आप लोग उतरते हैं, टिकट कलेक्ट करते हैं, और टिकट कलेक्ट करते आप लोग का टिकट चेकिंग होता है गेट पर, टिकट चेक होने का आप लोग अंदर एंटर कर जाते हैं। एंटर करते ही सबसे पहले ऐसा एक स्लॉट आएगा 40 फीट हाइट का, जिस चढ़ाई को
आगे 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 अभी जस्ट हम लोग आगरा फोर्ट पहुंच गए हैं। ये रहा अभी थोड़ी देर में ये जो बस से पीछे निकल ये हम लोग बस छोटे थे कैसे बस अभी कैसा बस है। चलिए धीरे 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 चलिए फिर टिकट लेकर बोलते हैं आप लोग को। इनको भी वही लग रहा है टिकट लेते लेते ही टाइम चला जाएगा। टिकट अंदर है क्या? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे कहाँ पर? अच्छा वहाँ पर टिकट। सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ पास करने के बाद ये है टिकट और ये है कुछ इस तरह का। आइए चलिए चलो चलो ले लेंगे फोटो। टिकट चारों एक साथ ही रखिए मेरा आ जाएगा बहुत दिक्कत होगा। आगरा के पंछी पेठा नाम है लोग कहाँ ली बात है। नाम कुछ भी रहे चलो ना। बना ही रहा फिर से सिक्योरिटी। ये है ताजमहल का स्टार्टिंग एड्रेस। सही है ज्यादा ही भीड़ है। मेन गेट वो है ना, मेन वही है ना। अच्छा वहाँ फोटो वोटो लिया जाएगा क्या? चलो बता जा रहा है। सुस्त होता जा रहा है। फोटो कराएंगे भैया आपको? वीडियो बना रहे मम्मी, फोटो नहीं है अभी। मेन एंट्रेंस ये है और यहाँ के बीच से ताजमहल दिखता होगा। सही है एक सेकंड ले दे रहा। मैंने बताया
चलो ओ भाई साहब चलो चलो तेजी तेजी ठीक है हाँ ठीक ही ठाक है। पेड़ के पीछे लग रहा है थोड़ा सा ताजमहल जैसा ना। ताजमहल ही तो थोड़ा उस तरफ है। जहांगीर का है चलो ओ भाई साहब चलो चलो तेजी तेजी ठीक है हाँ ठीक ही ठाक है। पेड़ के पीछे लग रहा है थोड़ा सा ताजमहल जैसा ना। ताजमहल ही तो थोड़ा उस तरफ है। जहांगीर का है ये क्या है कुछ पता ही नहीं है। सिर्फ घूमे जा रहे हम लोग। बना हुआ तो बहुत पुराने ज़माने का है और शायद यही है वो 60 पिलर्स जिसके बारे में वो बस गाइड बता रहा था। वो तो अंदर ही नहीं आया होगा। 60 पिलर्स काउंट तो नहीं करने वाले हैं। ऐसे भी बहुत ज़्यादा थक गए। बढ़िया है बहुत पुराने ज़माने का येलोइश टाइप का कभी वाइट रहा होगा। रतन सिंह की हवेली जिसका कि गेट बंद है। किस हिसाब से हवेली है पता ही नहीं चल रहा। शायद ये गुंबद वाला हो या ये दरवाजे के उस तरफ कुछ आइडिया नहीं है। गाइड जो बताया हाँ कहाँ लिखा हुआ नहीं बोला था नहीं थे मैं। गाइड तो बोला ही था गे ऐसा वह तो पुराना जमाना का ना। तो आपके साथ फोटो खिंचाना है मम्मी हाँ आओ। यही है दीवाने खास। कृपया रेलिंग से दूरी बनाए रखे। यही होगा जहाँ पे खास लोग बैठते होंगे और यहाँ पे आम जनता। वीडियो सब में उतना अच्छा नहीं बनेगा।
पता नहीं क्या है ये, बस घूमे ही जा रहे हैं। वो तो दीवाने खास है, शायद दीवाने आम है, लेकिन देखने से तो यही खास लग रहा है। ठीक है, बढ़िया। अंगूरी बाग नाम है किसका? इसका अंगूरी बाग। सही है, वन टाइम अपना दिमाग लगाने का नहीं है। आओ मम्मी पापा सबके साथ घूम लो और भूल जाओ। कुछ लोग उधर से भी एंट्री कर रहे हैं, कुछ लोग इधर से भी कर रहे हैं। ओह ये क्या है, कृपया रेलिंग। हाँ अंगूरी बाग है ये। हाँ ये जो पीछे बना हुआ रेलिंग नुमा, इसके अंदर है अंगूरी बाग। चलिए ना ऊपर। गाइड से ज्यादा नॉलेज मम्मी का है। कुछ भी। अच्छा शायद इधर से ताजमहल दिख जाए, शायद, सियोरिटी नहीं है। जहानारा क्या है ये? हाँ अच्छा वो रहा ताजमहल, सही है। देखो भाई ये ताजमहल कहाँ? वो उसका है। हाँ मुसम्मन बुर्ज वैसा ही कुछ नाम लिखा हुआ। हाँ मुसम्मन बुर्ज, बट इंग्लिश इट्स मुथम्मन बुर्ज। ये सही बना हुआ है। सही है। अभी हम लोग सीढ़ी से ऊपर आ गए हैं। और क्या लिखा है, कृपया रेलिंग से दूरी बनाए रखें। ठीक ही है, जो भी है सब सही है। चलिए उस साइड चलते हैं रेलिंग पे। एग्जॉस्ट हो गए हैं गर्मी के कारण, हर जगह टूर गाइड। अच्छा इसका नाम ही लिख देता जो लिखा है, कृपया रेलिंग से दूरी बनाए रखे। क्या अच्छा यहाँ से सही व्यू है ताजमहल का। यहाँ पे फोटो ले लेते हैं अभी क्या। हाँ यही है दीवाने खास। सही है, अभी हम लोग उस जगह कॉर्नर से फोटो लिए थे और अभी यहाँ ऊपर आकर लिए। हाँ और ये है दीवाने खास। सही है, अभी भी हम लोग यहीं पर है आगरा फोर्ट में ही। दिमाग दुरुस्त हो गया, इतना ज़्यादा गर्मी है ना। अब यहाँ से फिर ताजमहल देखने का प्लान है और इधर से कुछ इस तरह का वन टाइम के लिए। ठीक है, बार बार तो वैसा कुछ खास हमको लगा नहीं, एक बार आ जाइए देख लीजिए। और बस का क्या सीन हुआ है सॉलिड वाला, हम लोग सोच के रखे थे कि क्या मतलब मर्सिडीज बेंज का बस आएगा जिस हिसाब का प्राइसिंग हुआ है टिकट का, लेकिन यहाँ तो साला स्टार बस दे दिया हम लोग को एसी लगा के। सारा मूड खराब हो गया वहीं पर हम लोग का। अभी फिर यहाँ से रिटर्न होना है, 12:45 का टाइमिंग है, 12:45 तक वहाँ पहुँचेंगे। फिर 15 मिनट वो लोग को लगेगा किसी एक ढाबा पर जाने में,
ढाबा वगैरह का सुबह में शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लीपी थे। सुबह में 4:30 बजे उठे थे और फिर नहा धोके सीधा निकल लिए थे हम लोग फिल्म सिटी के लिए। वहीं पर हम लोग का स्टॉपेज था। अभी देखते हैं, मैं भी अच्छे से शूट तो नहीं कर पा रहे हैं अभी भी, क्योंकि एक और सीन हो गया जो गोप्रो का वोल्टा था, मतलब ट्राईपॉड, वो लोग रख दिए। बोल रहे कि सिक्योरिटी वाले बोल रहे थे कि ट्राईपॉड में स्टैंड है इसलिए ये लोग अलाउ नहीं कर रहे थे। तो ठीक ही है, जो भी है। तो यहाँ से निकलते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया। नगीना मस्जिद, अच्छा आते हैं, आप जाइए रहिएगा यहीं। चलिए नगीना मस्जिद यही है ना, बोले नहीं आएंगे। क्या है इधर, तो जाएंगे। ठीक है चलिए। आ जाओ। हाँ सही है। हाँ हाँ हो ना अपने हिसाब से। यही वाला बस आया है, कल एक्सपेक्टेशन था उस बस का और रियलिटी में ये आया है, चौपट राम चौपेटिया बस। अभी हम लोग मथुरा पहुंच गए श्री कृष्ण जन्म स्थान देखने के लिए। तो बस वाले लोग बोल रहे हैं कि अंदर में कैमरा मोबाइल फ़ोन ये सब कुछ अलाउड नहीं है, और क्लॉक रूम दिया हुआ है तो क्लॉक रूम में ही सारा सामान वगैरह रख देंगे। देखते हैं अंदर में कैसा है, 1 घंटा का टाइम है, अभी तो रात का 8 बज गया। हमको लगता है रूम पहुँचते पहुँचते 1:30-2 बज जाएगा आज, तो हो सकता है वीडियो का एंड हम कल ही करें और डाल भी देंगे। प्रॉपर तरीके से शूट नहीं हो पाया बट जितना भी हुआ है डाल देंगे। एक तो बस देखकर मूड ख़राब है सुबह से ही। ठीक है देखते हैं।